सच बोलता है कि आप भाव चेहरों के ये खोलता है कि भाव चेहरों के ये खोलता है कि हद में अपने रहो पाक तुम छेड़ते हो तो खो खोलता है छेड़ते हो तो खो। मैं अपने शहीदों को नमन करते हुए एक क्षण निवेदित करता हूँ सरकार को सीधे कि भारती के लाल युद्ध लड़ते हैं काल से जो बलिदान उनका न व्यर्थ होने दीजिए। भारती के लाल युद्ध लड़ते हैं काल से जो बलिदान उनका न व्यर्थ होने दीजिए। केसर की क्यारियों से नागफनी को उखाड़ सेना को ही अमन का बीज बोने दीजिए। करते हैं वार सुरमाओं पर चोरी छिपे हरगिज चैन से उन्हें न सोने दीजिए। करते हैं वार सुरमाओं पर चोरी छिपे हरगिज चैन से उन्हें न सोने दीजिए। और उजड़े सुहाग कई लाखों गोद सुनी हुई व्यथित तिरंगे को न और रोने दीजिए। हिसाब अब लेंगे इन आंसुओं का हिसाब अब लेंगे बदला लेके रहेंगे चाहे जब लेंगे इन आंसुओं का हिसाब अब लेंगे बदला लेके रहेंगे चाहे जब लेंगे। हमें भरोसा है अपने सैनिकों के शौर्य पर वो जो जो चाहेंगे सब लेंगे। कि घुस कर मारा जैसे लगातार मारो उन्हें कि घुस कर मारो और मारते ही जाओ इन्हें। अब इसी भांति प्रतिकार होना चाहिए कि घुस कर मारो और मारते ही जाओ उन्हें। अब इसी भांति प्रतिकार होना चाहिए क्योंकि लात वाले भूत बात से न मानते हैं। लगातार उन पे प्रहार होना चाहिए क्योंकि लात वाले भूत बात से न मानते हैं। लगातार उन पे प्रहार होना चाहिए तो सर्जिकल वाला दौर छोड़ो अब तुम प्यारे सीधे युद्ध यार और पार होना चाहिए। और कश्मीर संग संग पूरा पाक छीन कर पाक में भी भारत सरकार होना चाहिए। सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी। हम लोग भूल नहीं पाएंगे पूरा देश आहत है इस निंदनीय घटना से और आक्रोश से भी भरा हुआ है। मैं चार पंक्तियां पूरे देश के हवाले से पाकिस्तान को चुनौती भरा संदेश एक पहुंचाना चाहती हूं कि धर्मरथ वादी काल से चला है भारत का जब तक सृष्टि है न कोई रोक पाएगा। और कौन सा हलंत बना कौन सा विराम बना कौन सा पहाड़ सिंधु इसे अजमाएगा। अर्पण का देशी है तर्पण का देशी है देखना है काली से कितना तपाएगा। अर्पण का देशी है तर्पण का देशी है देखना है काली से कितना तपाएगा। अपाक के आतंकी तुम ताकते रहोगे और शीघ्र ही अखंड हिंदुस्तान बन जाएगा शीघ्र ही अखंड हिंदुस्तान बन जाएगा।